हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले मैंने पूरी एक अहमदाबाद की सीरीज़ अपलोड की थी। आप सब लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया था, बहुत सारे व्यूज़ एंड मुझे लाइक्स मिले थे। आज फिर से आपके सामने आ चुका हूँ एक अहमदाबाद की ऐसी नई वीडियो जो आपको YouTube की हिस्ट्री में शायद कभी देखने के लिए नहीं मिलेगी एंड शायद फ्यूचर में भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अहमदाबाद सीरीज़ में जो लोग बाहर से अहमदाबाद घूमने के लिए आ रहे हैं एंड उसके लिए कौन कौन सी प्लेस देखने जैसी है वो सब मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लोर की थी। अगर आप अहमदाबाद में ही रहते हो तो अहमदाबाद की फेमस प्लेस तो आपने देख ही ली होगी, दो तीन बार आपने देख ली होगी। तो अगर आपको अहमदाबाद में कुछ नया एक्सप्लोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। मैं इस वीडियो में मोर देन 15 प्लेस ऑफ अहमदाबाद एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ये वीडियो पूरी देख लीजिए, इसके बाद आई बटन पे अहमदाबाद सीरीज़ की भी लिंक आएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वीडियो की लिंक डाली हुई है, अहमदाबाद सीरीज़ भी देखना मत भूलना। एंड कुछ भी आपको क्वेश्चन या डाउट हो तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है पूरा, जिसमें मैं जर्नी के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सब देता हूँ, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पे भी जाके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 50 प्लेस ऑफ अहमदाबाद। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। अगर आप संडे पूरा दिन यानी कि सुबह से लेकर शाम तक घूमने जाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने स्पेशल प्लेस डेडिकेटेड की है। एंड हाफ डे यानी कि संडे शाम को 3-4 बजे आप निकलोगे और शाम को फिर से 7-8 बजे घर पे आ जाओगे, इस तरह की 3-4 घंटे के लिए जो भी अच्छी प्लेस है अहमदाबाद की उसको मैंने सेकंड फोल्डर में कैटेगराइज की है। अभी जो फर्स्ट फोल्डर हमारा रहेगा वो वन डे इन अहमदाबाद, इसमें दो रहेगा अंडर सिटी एंड आउटर सिटी, यानी कि आप अहमदाबाद के आसपास 100 किलोमीटर के एरिया में जो जो भी अच्छी प्लेस है वो सब जगह पे भी आप जाके कवर कर सकते हो। एंड इन सिटी यानी कि अहमदाबाद के अंदर ही रह के आप पूरा दिन अच्छी फेमस प्लेस को कवर कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा पूरा वीडियो रहेगा। दोस्तों चलिए हाफ डे इन अहमदाबाद बेस्ट प्लेसेस आपके सामने सबसे पहले एक्सप्लोर करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले दादा हरीर स्टेपवेल जो हनुमान सिंह रोड हरिपरा आसरवा अहमदाबाद में आई है, इसके बाद अडालज स्टेपवेल जो अडालज अहमदाबाद में आई है, इसके बाद थर्ड प्लेस से अमृत वर्षिनी स्टेपवेल जो आई है खैड़ा अहमदाबाद में, इसके बाद इस्कॉन टेम्पल जो इस्कॉन क्रॉस रोड अहमदाबाद SG हाईवे पे आया है, इसके बाद BAPS स्वामीनारायण मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जो शाहीबाग रोड अहमदाबाद में आया हुआ, इसके बाद हठी सिंह जैन टेम्पल जो कैंप रोड माधोपुरा अहमदाबाद में आया है, इसके बाद साबरमती आश्रम जो आश्रम रोड अहमदाबाद में आया है, इसके बाद है साबरमती रिवर फ्रंट। दोस्तों साबरमती रिवर फ्रंट बहुत ही बड़ा है बट उसका मेन जो देखने जैसा पॉइंट एंड बैठने जैसी जगह है वो सब लाल दरवाजा के आसपास आप वहां पे ज़्यादा एंजॉय कर सकोगे। इसके बाद आता है कांकरिया लेक जो मणिनगर एरिया में आया है, कांकरिया आप गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्टली आ जाएगा। इसके बाद कांकरिया जू एंड राइड एक्टिविटी जो सब कांकरिया लेक के अंदर ही आई है, इसके बाद अटल ब्रिज जो रिवर फ्रंट के ऊपर आया है, अटल ब्रिज के एग्जिट पास में फ्लावर पार्क आया हुआ है, इसके बाद सिद्धिविनायक गणेश मंदिर जो महमदाबाद हाथीजन महमदाबाद हाईवे के ऊपर आया है, बहुत ही खूबसूरत गणपति जी का मंदिर, गुजरात का सबसे बड़ा गणपति मंदिर यहाँ पे आया है, इसके बाद लाल दरवाजा मार्केट जो लाल दरवाजा के पास ही आया है, रतनपोल मार्केट अगर आपको कुछ खरीदी करनी है तो लाल दरवाजा के पीछे की ओर आया हुआ पूरा रतनपोल मार्केट, इसके बाद भद्रकाली मंदिर, अहमदाबाद की नगर देवी भी माना जाता है भद्रकाली माता जी को, वो भद्रकाली मंदिर एंड भद्र फोर्ट दोनों लाल दरवाजा के पास ही आया है, पहले भद्रकाली मंदिर भी आप विजिट करिए, इसके बाद भद्र फोर्ट जो लाल दरवाजा के पास ही आया है, इसके बाद सरखेज रोजा जो सरखेज मकबरा रोड मकबरा अहमदाबाद में आया है, झूलता मीनारा जो कालूपुर रोड सारंगपुर लक्ष्मी बाजार अहमदाबाद के पास आया है, इसके अलावा आप मेट्रो राइड भी एंजॉय कर सकते हो अहमदाबाद में, हाल ही में मेट्रो शुरू हुई है, मेट्रो के दो रूट है अहमदाबाद में, थलते टू वस्त्राल एंड जीवराज पार्क टू मोटेरा स्टेडियम, इसके बाद 21st कोचरब आश्रम जो कोचरब पालडी में आया हुआ है, इसके बाद वैष्णव देवी मंदिर नियर वैष्णव देवी सर्कल सरखेज गांधीनगर हाईवे पे आया है, इसके बाद अल्फा वन मॉल जो वस्त्रापुर में आया है, कैंप हनुमान मंदिर बहुत ही फेमस अहमदाबाद का हनुमान मंदिर है जो एयरपोर्ट रोड के ऊपर आया है, इसके बाद हर साल जहाँ पे आषाढ़ी बीज के दिन यात्रा निकलती है वो जगन्नाथ यात्रा जो जमालपुर गेट जमालपुर अहमदाबाद में आया है जगन्नाथ टेम्पल मंदिर, के बाद गार्डन की बात करें जो परिमल गार्डन जो चिमनलाल गिरधरलाल रोड पंचवटी सोसाइटी के पास आया है अंबावाड़ी में, विक्टोरिया गार्डन जो लाल दरवाजा के पास आया है, इसके बाद कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल जो अंडरब्रिज जैन कॉलोनी शाहीबाग अहमदाबाद में आया है,
इसके बाद ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम जो डटसन ईस्टगेट सर्विस रोड निकोल अहमदाबाद में आया है। इसके बाद गुरुद्वारा जो थलतेज पे आया है एंड नाइट का लाइटिंग गुरुद्वारा का बेहतरीन रहता है। इसके बाद माणिक चौक अहमदाबाद, अगर आपको कुछ खाने पीने का शौक है तो अहमदाबाद की फेमस प्लेस है माणिक चौक, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। इसके बाद सरखेज रोजा जो सरखेज मकबरा रोड मकबरा अहमदाबाद में आया है। अडालज त्रिमंदिर जो दादा भगवान का मंदिर रहता है वो अडालज में आया है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत एंड एंजॉयमेंट वाली जगह है। इसके बाद वस्त्रापुर लेक जो वस्त्रापुर अहमदाबाद में आया है एंड वन ट्री हिल गार्डन जो कांकरिया के अंदर आया हुआ है। ये सब प्लेस आप सिर्फ हाफ डे में अहमदाबाद के अंदर विजिट कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। चलिए दोस्तों अब सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, फुल डे आउट सिटी ऑफ अहमदाबाद अंडर 100 किलोमीटर। इसमें भी बहुत सारी प्लेस है जो आप सुबह जाके शाम को रिटर्न आ सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले प्लेस मैंने कवर की है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो अहमदाबाद से 62 किलोमीटर की दूरी पे आई है। इसके बाद अगर आप गांधीनगर की ओर जा रहे हो तो गांधीनगर में इंद्रोडा पार्क जो अहमदाबाद से 25 किलोमीटर की दूरी पे आया है, अक्षरधाम मंदिर जिसमें आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा वो अहमदाबाद से 26 किलोमीटर की दूरी पे आया है। अडालज स्टेपवेल अगर आप जा रहे हो तो अडालज भी अहमदाबाद से 19 किलोमीटर की दूरी पे आया है। एंड अच्छी जर्नी आपको बनानी है तो आप मोढ़ेरा सन टेम्पल भी जा सकते हो जो अहमदाबाद से 99 किलोमीटर की दूरी पे आया है। एंड इसी के साथ अगर आप रानी की वाव पाटन भी कवर कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको आगे जाना पड़ेगा, हाँ वो 100 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 131 किलोमीटर, पर आप वहाँ पे भी जा सकते हो। इसके बाद अगर मॉनसून की सीज़न है, बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है, तो आप झांझरी वाटरफॉल भी जा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल एंड फीलिंग वाला नेचर आपको वहाँ पे मिल जाएगा जो अहमदाबाद से 75 किलोमीटर की दूरी पे आया है। इसके अलावा मुनि आश्रम जो सानंद में आया है, बहुत ही अच्छी धार्मिक जगह है। इसके अलावा थोल बर्ड सेंचुरी जो अहमदाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पे आया है। अगर आपको हिस्ट्री में रस है तो आप लोथल भी जा सकते हो, सिंधु खिंड की पूरी संस्कृति वहाँ पे आई हुई। इसके अलावा फिर से बहुत ही फेमस एंड धार्मिक प्लेस संतराम मंदिर जो नडियाद में आया है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, पूरा दिन एंजॉय कर सकते हो। एंड सिद्धिविनायक मंदिर महमदाबाद जो हाथीजड़ महमदाबाद हाईवे पे आया है, जो अहमदाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पे आया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं वन डे इन सिटी ऑफ अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद में ही आपको पूरा दिन घूमना है। तो सबसे पहले उसमें आएगी साइंस सिटी अहमदाबाद। साइंस सिटी एक ऐसी प्लेस है दोस्तों कि अगर आप सुबह जाओगे शाम के निकलोगे तो भी आपने इसमें कई सारी प्लेस मिस कर दी होगी। पूरे दिन का यहाँ पे पैकेज रहता है, मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी साइंस सिटी अहमदाबाद की, वो व्लॉग भी आप चेक कर सकते हो। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने साइंस सिटी की दी है, अंदर आई हुई रोबोटिक गैलरी, एक्वेटिक गैलरी, मिशन मार्स, प्लेनेट ऑफ अर्थ, इसके अलावा म्यूजिकल फाउंटेन, कैंटीन एंड कई सारे ऐसे एरिया है साइंस सिटी के कि आप घूमते घूमते थक जाओगे बट प्लेसेस ख़त्म नहीं होगी, बहुत ही एंजॉयमेंट मिलेगा, छोटे बच्चों को तो बहुत ही मजा आएगा। तो अगर आप वन डे रिफर कर रहे हैं तो मैं पहला रिफर करूंगा कि आप साइंस सिटी को ही दे दी। इसके अलावा अहमदाबाद में गुजरात टूरिज्म की होप ऑन ऑफ बस चलती है जो आपको अहमदाबाद की पूरी सारी हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएगी, उसकी भी कुछ नॉमिनल चार्ज रहता है, ऑनलाइन आपको बुक करना रहता है होप ऑन ऑफ बस, आपने देखी होगी, ब्लॉग भी देखे होंगे, तो उसमें भी आप पूरा दिन घूम सकते हो। इसके अलावा अहमदाबाद से सबसे नजदीक एंड गुजरात का कैपिटल गांधीनगर जो अहमदाबाद से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे आया है, तो आप गांधीनगर में भी जा सकते हैं। गांधीनगर में बहुत सारी प्लेस देखने जैसी है, जैसे कि अडालज स्टेपवेल, गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर, इंद्रोडा पार्क एंड बहुत सारी और भी फेमस घूमने जैसी प्लेस है, तो वो सब भी आप कवर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी बेस्ट प्लेस नियर अहमदाबाद, मैंने 50 से भी ज़्यादा प्लेस आपके सामने एक्सप्लोर कर दी है एंड आई होप कोई भी प्लेस ना बची हो, फिर भी ऐसी कई सारी प्लेस होगी जो मैंने एक्सप्लोर करना में भूल गया होगा बट आपको पता होगा, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी कमेंट को टैग रखूँगा, बाकी जो व्यूअर होंगे वो भी आपकी कमेंट को देख के उस प्लेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सके। तो ये थी मेरी कुछ अहमदाबाद की बेस्ट प्लेस रिलेटेड वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अलग अलग कई सारी वीडियोस लेके मैं आपके सामने आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।